The first question from atomic structure is, constituents of atomic nucleus are option A, electron and proton, option B, electron and neutron, option C, proton and neutron, ऑप्शन डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पूछा गया है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, मींस एटॉमिक न्यूक्लियस किन किन से मिलकर बना होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम आर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉमनली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। मीन्स जो एटम होता है वो तीन पार्टिकल्स का मिलकर बना होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कॉमनली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास सराउंडेड होते हैं, मीन्स न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर सी।